हाँ ठीक है। तो सबसे पहली जो हमारी स्क्रीन आएगी, इस स्क्रीन पे हमें क्या दिखाई देगा, सबसे ऊपर जो आप देखोगे उसमें आपको थ्री डॉट्स, थ्री लाइंस बनी हुई दिख रही होगी, दिख रहा है? जहां पर मैंने क्लिक किया तो ये मेनू आया हाँ है ना, ये आपका जो मेनू रहेगा, ये सिंपल आपको कैनवा में अपना प्रोफाइल थोड़ा सा मैनेज करना हो उसके लिए रहता है, जिसमें हम ऑप्शंस देख सकते हैं। ऊपर आप मल्टीपल टीम्स बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जब आप मल्टीपल टीम्स बना लेते हो तो आपको प्रोफाइल अगर मैनेज करना होता है कि मुझे टीम में काम करना है, अकेले काम करना है, या तीन चार टीम है, तो किस टीम में ये वाला हमारे को इमेजेस दिखानी है, प्रोजेक्ट दिखाना है, तो वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आफ्टर दैट मैजिक स्टूडियो प्रो वालों के लिए एक नया आया है, जिसमें काफी अच्छे फीचर्स जो फोटो से रिगार्डिंग, बैकग्राउंड चेंज करने से रिगार्डिंग होते हैं वो आए हैं, बट ये प्रो वर्जन में आया है, तो उसको उसने हाईलाइट कर दिया कि वो नया क्या लेकर आया है। तो इस तरीके का एक ऑप्शन उसने बनाया। देन आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब कितनी भी डिजाइन्स जो आपने बनाई है, वो सारी डिजाइन वो एज अ प्रोजेक्ट लेता है। तो अगर आप देखना चाहते हो कि आपने क्या क्या बनाया, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। एंड यहाँ पर भी हमने एक ऑप्शन देखा था, रिसेंट डिजाइन सी ऑल, सी ऑल पे भी जाके देखोगे तो आपको आपके सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, और इस प्रोजेक्ट से भी आपको सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ आफ्टर दैट टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स मीन्स क्या है, प्रोजेक्ट्स मतलब होते हैं कि हम अपने आप से कुछ क्रिएट कर रहे हैं, और टेम्पलेट्स मीन्स क्या होता है, एक प्री डिफाइंड कुछ चीजें बनी हुई रहेगी, आप उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो। अब जब हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, तो हम अपने प्रोजेक्ट्स अलग से क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम जब कैनवा सीख रहे हैं तो हमारे पास दो चीजें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हम कैनवा सीखने के लिए हमें मोटिवेट करेगी। पहली चीज, जब हम कैनवा यूज कर रहे हैं और टेम्पलेट्स को रीडिजाइन कर रहे हैं छोटे से माइनर से चेंजेस करके, तो क्या होता है, हमारी तरह और भी करोड़ों यूजर्स हैं जो कैनवा यूज करते हैं, और उन करोड़ों की और आपकी डिजाइन एक जैसी हो, आप चाहोगे उन करोड़ में से भी चलो बहुत से लोग खुद का रीडिजाइन कर रहे, तो भी क्या वो 1 लाख लोग जो एक उसमें थोड़े थोड़े से चेंजेस करते हैं, उनके जैसी ही डिजाइन आपकी दिखे आप चाहोगे ऐसा? नहीं, हमको कुछ सही यूनिक सही चाहिएगा, लोगों को इंटरेक्ट करना है, हमको उन्हें इम्प्रेस करना है, हमने कुछ क्रिएट किया ऐसा दिखाना है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम कुछ हटके बनाए, जो लोग नहीं बना रहे वैसा बनाए। तो हम इसलिए टेम्पलेट्स का यूज कम करेंगे, हम टेम्पलेट्स का यूज भी करेंगे बट उसे इतने अच्छे से मॉडिफाई कर देंगे कि सामने वाला देखकर बोलेगा नहीं कि हमने उस टेम्पलेट को यूज किया है। तो फर्स्ट, तो अभी जो मैं आप लोगों को सबसे पहले सिखाऊंगी उसमें टेम्पलेट का यूज करना बिल्कुल भी नहीं सिखाने वाली, अपनी खुद की डिजाइन क्रिएट करो यही सिखाऊंगी। बट हाँ, आगे जाके अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है कि क्या डिजाइन करें, एकदम माइंड में क्लिक नहीं हो रहा है, तो हम टेम्पलेट्स यूज करेंगे। तो वो दोनों चीजें कब यूज करना है कब नहीं करना है वो भी मैं आपको बाद में डिस्कस करेंगे। पहला तो हमने एक ऑप्शन देख लिया कि हम टेम्पलेट क्यों नहीं यूज कर रहे। सेकेंड चीज, टेम्पलेट में एक तो हमने यूनिकनेस की बात कर दी, सेकेंड चीज क्या होती है, जब आप टेम्पलेट यूज कर रहे हो तो अपने माइंड को एक लिमिटेड बना देते हो, वहां पे बहुत लिमिटेड टेम्पलेट्स के ऑप्शन होंगे और आपको उसी पे वर्क करना होगा। बट जब हम अपने आप से कुछ क्रिएट करते तो फिर हम अपनी क्रिएटिविटी, अपना इनोवेशन करने की अपने माइंड को पूरी फ्रीडम दे देते, हमें जैसा अच्छा लगेगा हम उतना अच्छा क्रिएट कर सकते। हो सकता है आप मम्मा को बर्थडे विश करना चाहते हो, उसके लिए कुछ अच्छा सा ग्रीटिंग कार्ड बनाना चाह रहे हो, तो वो आप अपने हिसाब से, अपने जब क्रिएटिविटी के साथ में कि मम्मा को क्या क्या पसंद है वो सोच के बनाओगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा। बट टेम्पलेट हो सकता है उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से कुछ सिंपल से बना के रखे और उसी टेम्पलेट में हम एडिटिंग कर देंगे, तो वो इतना इम्प्रेसिव नहीं लगेगा। तो हम अगर अपने थॉट्स को पूरी फ्रीडम देना चाहते हैं तो हमें टेम्पलेट्स का यूज नहीं करना है। क्लियर है दोनों पॉइंट? हाँ यस ठीक है। इसके सिवा ब्रांड का विशेष तौर पर यहाँ पे कोई यूज नहीं है, जस्ट ये है कि कई बार आपके जो कलरिंग इफेक्ट्स हैं वो अगर चले जाते हैं आपके, तो यहाँ पे ब्रांड का ऑप्शन है जो आपको फैसिलेट करता है कि आप यहाँ से कोई ब्रांड किट ले लो और उसे यूज कर लो। बट एक आपकी अनपैड वाली ऑटोमेटिक आती है,
जिसे आपको खरीदना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अभी हम उसे नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एज आई सेड हम कुछ भी ऐसी चीज नहीं देखेंगे जिसके लिए हमें पे करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पे करे भी हम बहुत खूबसूरत डिजाइन बना सकते हैं। आफ्टर दैट एप्स अदर वाले भी हमें नहीं देखना है। इनवाइट मेंबर्स हम फ्यूचर में देखेंगे। क्रैश वाले ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, जो हमारे मोबाइल में बहुत सारी चीजें कैनवा के अंदर जब वर्क करते हैं तो जितने ज्यादा प्रोजेक्ट होते जाते हैं उतनी मेमोरी भराती जाती है। हर प्रोजेक्ट के लिए कुछ एलिमेंट्स हम बाहर से भी पिकअप करेंगे। लाइक अभी मैंने कहा मम्मा का बर्थडे, उसके लिए बनाना है, तो ऑब्वियसली कैनवा के पास थोड़ी मम्मा की पिक होगी, पिक तो वो हमारे पास है, हमें वो फोटो लगाना है। तो वो फोटो जब हम कैनवा पे अपलोड कर रहे हैं तो वो मेमोरी हमारी कैनवा की बढ़ रही है। तो ऐसे जब प्रोजेक्ट्स बढ़ते जाएंगे तो हमें मेमोरी खाली करना भी आना चाहिए। तो क्रैश में वो सारी चीजें आती जाएगी जो हम वहां से डिलीट करेंगे। उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि क्रैश को कैसे रिमूव करना है, वो आप देख सकते हो। सेटिंग्स में मैं अभी ज्यादा नहीं बता रही डायरेक्ट। अब हम आते हैं इसके बैक करके कि अगर हमें कोई डिजाइन नहीं बनाना है तो वो कैसे बनाना है, ठीक है, क्लियर है? हाँ ठीक है। रेडी में कौन है प्लीज मुझे बता दीजिए, रेडी में से ज्वाइन किसने किया है? क्या रेडमी मोबाइल से किसी ने ज्वाइन किया है वो अपना नाम बता दे। हेलो। हाँ आपका हाँ नाम? मैम, आरती आरती मोदी हियर। ओके ओके या कि अच्छे कुछ पूछना हो तो मैं डिस्कस कर रही हूँ तो नाम किसका ले वो पता होना चाहिए ना। यस मैम। तो या ये हमारा होम पेज है जिसमें हमने एक मेनू वाला ऑप्शन था वो हमने देख लिया। मेनू वाले ऑप्शन के पास में कुछ कीवर्ड्स टाइप करने की फैसिलिटी दी है। ये जब हम टेम्पलेट्स यूज करेंगे तब हम इसका यूज करेंगे, अभी हम इसका कोई यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने कहा कि हम अपना जीरो लेवल से एक एक चीज कौन कौन सी कैनवा के पास है वो देखेंगे, अपने आप से क्रिएट करना सीखेंगे, और फिर उसके बाद में जो है उसे यूज कैसे करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका कीवर्ड्स के लिए कि आप कीवर्ड डालिए और उसके अकॉर्डिंग टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। प्लस आप यहाँ पे क्या क्या चीजें कर सकते हो कैनवा पे वो चीजें दी है। तो यहाँ पे फोनों पे थोड़ी जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होती है जिसके लिए कैनवा को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो चीजें हैं, जैसे इंस्टाग्राम की पोस्ट, इंस्टाग्राम की या फेसबुक की ही स्टोरीज हो सकती है, इंस्टाग्राम के स्टोरीज, पोस्टर्स, लोगोस, फेसबुक पोस्ट, डॉक्यूमेंट्स, फ्लायर्स, जो पोस्टर्स होते हैं उसी का ही टाइप होता है फ्लायर्स, हम इनका डिफरेंस आगे जाके समझेंगे, मोबाइल वीडियोस, यूट्यूब थंबनेल, इनविटेशंस, प्रेजेंटेशन, फोटो कोलाज, फेसबुक कवर्स, वाइब वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स, फोन प्रोफाइल। अब ये सारी चीजें इतनी सारी तो यही है, उसके सिवा भी सोशल मीडिया, फिर वीडियोस, प्रेजेंटेशन, प्रिंट्स, डॉक्स, व्हाइट बोर्ड्स एंड वेबसाइट, इसके सिवा भी मोर में बहुत सारी चीजें हैं। सो ओवरऑल यू कैन सी कि कैनवा पे ऑलमोस्ट वो सारी वैरायटीज के ग्राफिक्स हैं जो चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए यूज करना चाहते हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के लिए, चाहे बिजनेस का कुछ डॉक्यूमेंट्स छोटे मोटे हमें बनाने उसके लिए यूज करना चाह रहे हो, या बिजनेस की मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए आप कुछ फोटोज बनाना चाह रहे हो, किसी भी तरह का कोई भी पर्पस हो, हर तरह की डिजाइनिंग आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। जब हम हर तरह की डिजाइनिंग बनाते हैं तो हर एक डिजाइन का अपना एक स्ट्रक्चर होता है जहां पर आपको साइजिंग, कलर्स और थीम्स का ध्यान रखना होता है, कौन सी चीज उसमें लगेगी, कौन सी चीज वहां पे प्लेस नहीं होगी, हर एलिमेंट हर जगह यूज में नहीं आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस वो खुद भी करके दे रहा है। और जैसे आप देखोगे इंस्टाग्राम की जो पोस्ट होती है वो स्क्वायर टाइप की होती है, तो यहाँ पे उस स्क्वायर टाइप के आपको सेशंस बना के दिए हुए, इंस्टाग्राम पे भी किस तरह की पोस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डिजाइन है। इंस्टाग्राम पे भी आप पोस्ट देखोगे तो अगर एक नॉर्मल इंसान है तो वो कॉट्स से काम चला सकता है, या कुछ मैसेजेस या शायरी टाइप की चीजें होती है वो डाल सकते हैं, या कोई बिजनेस पर्सन है तो उसी बिजनेस के मार्केटिंग के रिगार्डिंग या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, हायरिंग है, इस तरह के पोस्टर्स भी वो पोस्ट कर सकते हैं। वैसे ही नीचे और भी चीजें हैं,
सो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग हमें यहाँ पे कैटेगराइज यूज करना पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक तरह का हमने पेज का साइज ले लिया और उस पर डिजाइन कर लिया चल जाएगा। हर चीज के लिए अलग अलग पेज साइज लेना जरूरी होता है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? हाँ ठीक है, और बाकी क्या क्या नॉर्म्स है वो हम वन बाय वन जैसे काम करते जाएंगे वैसे हम करेंगे। बट इनिशियल के एटलीस्ट 10 डेज आपके सिर्फ और सिर्फ कौन कौन से एलिमेंट्स कैनवा के पास है हम वो सीखेंगे, कौन सा एलिमेंट किस वाली एप्लीकेशन में यूज होगा और किस में नहीं उसके बारे में हम कम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एलिमेंट्स की जब मैं बात कर रही हूँ तो एलिमेंट्स का मतलब क्या है? हो सकता है वहां पर आपके टैक्स के अलग अलग फंड्स होंगे, आपके वहां पर अलग अलग तरह के ग्राफिक्स होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, जैसे आप सामने अभी देख रहे होंगे तो इंस्टाग्राम स्टोरी पे सेकंड वाले में कुछ फ्लावर्स टाइप के डिजाइन बनी हुई है, उसके नेक्स्ट वाले में कुछ ऑल तरह की गोल्डन बॉर्डर्स लगी हुई है। तो ये जो बॉर्डर्स बनी हुई है ये सारी भी आपकी क्या कहलाएंगे? ग्राफिक्स कहलाएंगे। इन्हीं ग्राफिक में एनिमेशन वाली चीजें भी हो सकती है, कुछ फोटोज हम लोग यूज कर रहे हैं तो फोटो को डिफरेंट टाइप से यूज करना है तो उसके लिए डिफरेंट फ्रेम्स वहां दी हुई है। तो दिस ऑल आर एलिमेंट्स। ठीक है, एनी डाउट? नो मैम, वॉइस क्लियर है? कुछ फास्ट बोल रहे हो ऐसा तो नहीं लग रहा है? नहीं नहीं मैम, ठीक है, सो अपन इनिशियली फर्स्ट स्टेप लेते हैं, हम अपना कुछ बनाना शुरू करते हैं। अब अगर हमें अपना खुद का कुछ बनाना है और अभी हम इनमें से कोई कैटेगरी नहीं ले रहे तो हमें क्या करना है? ठीक है, ये सारे तो टेम्पलेट बने हुए हैं, इन टेम्पलेट में से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें अपना खुद का कुछ बनाना है। तो आप सबसे नीचे बॉटम में देखोगे तो बॉटम में आपको एक ऑप्शन होम का दिख रहा है, फिर प्रोजेक्ट का, और उसके पास में एक पर्पल कलर का सर्कल बना हुआ है जिसमें एक प्लस का साइन है, दिख रहा है? हाँ उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते से ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज में सबसे ऊपर कस्टमाइज साइज दिख रहा है, जिस साइज का आप लेना चाहते हो उस साइज का पेज ले सकते हो। क्योंकि क्या होता है कई बार हमने यहाँ पे बहुत सारी डिजाइन देखी है बट उसके सिवा भी हमको चाहिए होता है कि प्रिंटिंग के लिए हमने किसी को हायर करा है, उसने बोला है कि 8x3 का पेज होना चाहिए, 3x4 का होना चाहिए, और वो हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम अपनी मर्जी से उतना पीएक्स सामने वाले से पूछेंगे कि प्रिंटिंग के लिए आपको कितना पीएक्स वाला लगेगा, और वो पीएक्स हम यहाँ पर कस्टमाइज पे क्लिक करके ऐड कर देंगे। इसमें विड्थ और हाइट दो चीजें आपको देनी है। तो सपोज यहाँ पर हमने दिया 1000 और यहाँ पर हमने दिया 2000 और क्रिएट डिजाइन पे क्लिक कर दिया, तो एक ब्लैंक पेज व्हाइट कलर का आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का कुछ एक पेज बन के आ गया। इसको मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया है, जैसे ही ये पेज बन के क्रिएट होता है लोड होने में 1 सेकंड का टाइम लेता है, और उसके बाद ये टेम्पलेट वाली डिजाइन वो ऑटोमेटिक ओपन करता है। ठीक है, मैंने सिर्फ वो क्रिएट डिजाइन वाला बटन दबाया था, उसके बाद उसने खुद ने वो व्हाइट पेज बनाया, एंड जब तक ये पेज नहीं आता है मैंने कहीं पर भी क्लिक नहीं किया है। क्लियर है? यस इसके बाद जो डिजाइन है ये वाला जो हिस्सा है ये आपका टेम्पलेट्स ही बता रहा है, और अभी हमने बात करी थी हम टेम्पलेट्स यूज नहीं करने वाले, अभी हम एलिमेंट्स यूज करेंगे। तो अगेन आप बॉटम में देखिए कुछ वर्ड्स लिखे हुए, डिजाइन, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, गैलरी, ब्रांड। तो इसमें से हम सेकेंड वाला ऑप्शन जो एलिमेंट्स है उस पर क्लिक कर रहे हैं। क्लियर है? नाउ यू कैन सी कि हमारे पास कैनवा पे कितने एलिमेंट्स हैं। तो सबसे ऊपर अगेन सर्च का ऑप्शन दिया है, आपको पर्टिकुलर जैसे एग्जाम्पल के लिए वहां बता रखा है एरो, लाइन, सर्कल, लोगो, स्टार, इस तरीके के आप कुछ वर्ड्स वहां पर लिख सकते हो। सिमिलरली अभी विंटर आ रहा है तो आप ऊपर विंटर लिखना चाहते हो कि हमें विंटर में जो जो चीजें एज अ एलिमेंट यूज होती है वो हमें दिख जाए, तो आप ऊपर विंटर लिख लीजिए। वेडिंग सीजन चल रहा है ऊपर वेडिंग लिख लीजिए। ऐसे डिफरेंट नेम्स आप ऊपर डालेंगे तो उससे रिगार्डिंग जो जो एलिमेंट्स उसके पास हैं वो दिखा देगा। तो अगेन क्वेश्चन आता है एलिमेंट्स में क्या क्या आता है। तो लेट्स सी, सबसे पहले ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है शेप्स,
शेप्स में बिल्कुल सिंपल से जो हम बचपन में पढ़ते कि शेप में क्या क्या होता है, वही कुछ गिने चुने शेप्स हैं, लाइंस, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, सर्कल और स्टार्स। सिमिलरली हार्डली आपके 25-30 कुछ यहाँ पर है, ज्यादा है थोड़े से, बट गिनती के ही है, ज्यादा शेप्स नहीं है। बट इन शेप का यूज करके आप काफी कुछ बना सकते हो। अभी हम सिर्फ एक लाइन पढ़ने वाले हैं, बट बाकी चीजें एलिमेंट में क्या क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट शेप जो बिल्कुल लिमिटेड है, सेकेंड ग्राफिक्स में आपको अनलिमिटेड चीजें मिलेगी, इसका सी ऑल करोगे तो अगेन आपको इसमें भी ऑप्शंस आएंगे। फीचर्ड, ग्रेडियंट, स्टिकर्स, कलेक्शंस, कलेक्शन में भी अलग अलग है, कोरोना, गोल्ड, फोरेज, एंड्रॉइड्स, इस टाइप के अलग अलग है। बट इसमें से काफी ऐसे होंगे जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। फ्री वाले भी मिलेंगे जिसे हम यूज करने वाले और उससे बहुत अच्छी चीजें बनाने वाले। बट हाँ, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि हम जो सर्च कर रहे हैं वो प्रो में या पैड लिखा हुआ ही आ रहा है जिसके लिए हमें पे करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। वी कैन यूज अनदर थिंग्स। तो क्या क्या कैसे यूज होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद स्टिकर्स हैं जो हमने अभी ग्राफिक्स में भी देखा ना। नेक्स्ट फोटोज हैं आपके पास, कुछ लिमिटेड फोटोज आपको यहाँ पर मिलेंगे। एग्जैक्टली जो भी आप चाहते हो वो सारे मिल जाए जरूरी नहीं है, इसके पास बहुत बहुत ही लिमिटेड फोटोज होते हैं, बट कई बार हो सकना है कि आपको जो चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगा। स्पेशली जब बैकग्राउंड की बात करते हैं हम, तो बैकग्राउंड फोटोज बनाने के लिए यहाँ पे काफी अच्छी चीजें मिल जाती है। और वीडियोस में भी कुछ नेचर्स वगैरह की अगर आप बात करोगे या फूड की बात करोगे तो एक अच्छे फोटो वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। बट हर तरह के वीडियोस या हर तरह के फोटोज नहीं मिलेंगे। लाइक आप फिल्मी स्टार्स के फोटो चाहोगे तो यहाँ से नहीं मिलेंगे, वीडियोस किसी गाने के चाहोगे तो नहीं मिलेंगे। तो हमें अगर वो चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ऑडियोज के लिए भी सेम है। फोटोज, वीडियोज एंड ऑडियोज तीनों यहाँ बहुत बहुत लिमिटेड है। इसका एक मेन रीजन ये भी है कि जो कैनवा है वो फॉरेन का ऐप है, वो इंडियन ऐप नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपके पास बहुत लिमिटेड इंडियन मटेरियल मिलेगा। और अगर आपको वो यूज करना है तो आपको पहले गूगल से या यूट्यूब से उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसे डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आप अपलोड करोगे। अपलोड कैसे करोगे, यूज कैसे करोगे वो हम एक अलग सेशन में समझेंगे। बट हाँ, अभी आप इस चीज को यूज अच्छे से नहीं कर पाओगे, आपको डाउनलोड करके अपलोड करके फिर यहाँ पर यूज करना होगा। क्लियर है? आफ्टर दैट इसके बाद चार्ट्स हैं। चार्ट्स मतलब क्या होता है, कुछ मल्टीपल डाटाज है उनके बीच की स्ट्रेटेजीज हमको बनानी होती है या उनके बीच में कंपैरिजन करनी होती है तो हम चार्ट्स का यूज करते हैं। देन टेबल्स, फ्रेम्स, ग्रिड्स एंड अदर कलेक्शन। कलेक्शन जो हमने ग्राफिक्स में देखा था वही कलेक्शन यहाँ पर भी है। ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर इन एलिमेंट्स को हम बहुत अच्छे से यूज करना सीख जाते हैं तो हम 50 से ज्यादा% डिजाइनिंग करना अच्छे से सीख जाते हैं। 50% से ज्यादा क्यों बोल रही हूँ मैं, पूरा 100% इस एलिमेंट से क्यों नहीं, क्योंकि फर्स्ट चीज आगे हमारे पास और ऑप्शंस भी है, क्योंकि हमने यहाँ पर टेक्स्ट की बात नहीं करी है, टेक्स्ट अभी बाकी है। एंड इमेजेस जो हमें अपलोड करना है या एडिट करना है वो पूरी सारी चीजें यहाँ से नहीं हो रही है, अपलोड वाला ऑप्शन और हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो ये अपलोड और टेक्स्ट ये आपका सिर्फ 10% लेता है, फिर भी आपका 40% बच रहा है। तो वो जो 40% बच रहा है वो क्या है, वो है आपकी खुद की क्रिएटिविटी और थोड़े से नॉर्म्स। लाइक हमने पोस्टर की बात करी तो पोस्टर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए, किस जगह पर लोगो लगाना चाहिए, किस जगह पर लोगो नहीं अच्छा लगता है, या हमें और कौन सी चीजें होती है जो एक पोस्टर के अंदर रखना कंपलसरी होती है। सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो सर्टिफिकेट का लेआउट क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, किसके होने चाहिए और किसके नहीं, ये सारी डिजाइनिंग के कुछ नॉर्म्स होते हैं। उन नॉर्म्स को भी समझना जरूरी होता है। सिर्फ ये एलिमेंट समझ के या इसमें जितने भी कैनवा के ऑप्शंस है वो समझ के काम नहीं चलेगा। फर्स्ट
40% का पार्ट आपकी क्रिएटिविटी प्लस ग्राफिक डिजाइनिंग के जो नॉर्म्स होते हैं, उन नॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग, ये चीज भी आपको आना बहुत जरूरी होती है। तो विद द टाइम हम एक एक चीज जब समझते जाएंगे तो हर चीज हम जानते जाएंगे कि उस चीज को कहाँ और कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? यस। यस मैम। सो फर्स्ट ऑप्शन जो हमने बात करी, आज हम सिर्फ शेप में से एक शेप के बारे में बात करने वाले, क्योंकि वो भी थोड़ा सा पेचीदा होता है, उसमें भी काफी चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हम मोबाइल से काम करते हैं तो मोबाइल से हमें फिंगर टिप से काम करना पड़ता है, तो एलिमेंट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना हार्ड होता है। दैट्स व्हाई आज मैं सिर्फ एक लाइन वाली चीज बताने वाली हूँ, और उसका कंट्रोल आपको फिंगर्स का कैसे करना है वो आपको अच्छे से आज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार और अब मैं शुरू से बताती हूँ कि मैंने ये लाइन कैसे लिया। क्रिएट वाला ऑप्शन था हमारे पास, फर्स्ट नीचे से पर्पल सर्कल के अंदर जो प्लस का साइन था उस पे क्लिक किया, फिर कस्टमाइज लो, या फिर मैं जो बाय डिफॉल्ट हमेशा लूंगी वो होता है पोस्टर वाला साइज। पोस्टर में से आप A3 वाला साइज लोगे तो ज्यादा सही रहेगा, बट डबल आ गया चलेगा, कौन सा भी आप इसमें से अभी प्रैक्टिस के लिए लोगे, नो इश्यू विद दैट। कस्टमाइज भी आप लेना चाहते हो तो कस्टमाइज भी ले लेना। इसके बाद सेकंड, जब ये डिजाइन वाला आ जाएगा उसके बाद मुझे एलिमेंट्स पे क्लिक करना है, और मुझे शेप्स में जाके लाइंस पे क्लिक करना है। एक बार मैंने लाइंस क्लिक कर ली तो आपने देखा था ऊपर रिसेंट में भी वो डायरेक्ट आ रहा था। ये लाइन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये लाइन यहाँ पर आ गई, विजिबल है। इसमें कोई डाउट कि ये लाइन कैसे आई? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट मूव। यहाँ पर जैसे ही हमारी लाइन आई, इसके साथ में लाइन के दोनों साइड पे आपको दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, और हाँ साथ में आपको ऊपर प्लस का साइन और एक डस्टबिन का साइन दिखाई दे रहा है। प्लस का जो साइन है वो कॉपी के लिए, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे एक और लाइन बन जाएगी, और उसके पास वाला जो है वो डस्टबिन का साइन डिलीट के लिए, इस पे क्लिक करते ही डिलीट हो जाएगा। और इसके पास में और भी कुछ ऑप्शंस हैं जो कॉपी पेस्ट है, तो ऑब्वियसली जैसे अभी हमने किया था वैसे ही डबल और 3-4 बार आपको कहीं और कॉपी पेस्ट करना है तो यूज में आएगा। तो अभी तो हम सिर्फ प्लस का साइन यूज करेंगे या डिलीट का, आज के लिए ये प्रैक्टिस करना। इसके बाद अभी जो लाइन है, जैसे मैंने कहीं और क्लिक किया तो यू कैन सी एक प्लेन लाइन बनकर आई है, इसकी जो बॉर्डर्स हैं उनमें कुछ भी नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले लाइन स्टाइल पे जाते हैं। सबसे नीचे ऑप्शन देखोगे आप, जैसे मैं इस लाइन पे क्लिक करती हूँ दो सर्कल बनते आ रहे हैं, मतलब वो सिलेक्ट हो गया है। सेकेंड, लाइन स्टाइल पे क्लिक करो या लाइन का कलर चेंज करना है आप कलर चेंज कर लो। सी ब्लू कलर हो रहा है बट वो थोड़ा सा डार्क नहीं है, तो आई थिंक आपको विजिबल है कि नहीं, क्लियर नहीं दिखा है। ग्रेडियंट ले लिया मैंने, व्हाइट ब्लैक एंड ब्लू का शेड ले लेगा वो। सी मैं जूम करती हूँ तो बेटर दिखेगा आपको, दिख रहा है दो कलर। हाँ फर्स्ट चीज, इस तरीके से हम कलर भी कर सकते हो, प्लस कलर में भी हमको दो कलर कौन से चेंज करना है। तो क्या करेंगे, हम वापस से लाइन कलर पे क्लिक किया, यहाँ ऊपर दो कलर्स जो दिख रहे हैं उसके ऊपर क्लिक किया, एंड देन यहाँ से कलर चेंज कर दो। सी कलर चेंज हो रहा है, हाँ जस्ट कलर्स पे फिंगर टिप कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये जो बैक का बटन है उससे मैंने बैक किया था तो बैक होगा, अगर आपने क्रॉस कर दिया तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, यस आफ्टर दैट लाइन स्टाइल, ये लाइन हमें बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रही है, बट अगर हम चाहते हैं ये स्ट्रेट नहीं दिखे, डॉटेड दिखे, तो वो उसके तीन ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास है। डॉटेड, छोटे छोटे डॉट्स, बड़े बड़े डॉट्स होने चाहिए, गैपिंग कम होनी चाहिए, या डॉट्स भी ज्यादा है और गैपिंग भी है, या छोटे छोटे बिल्कुल ही छोटे छोटे से डॉट। ठीक है, और इसका साइजिंग हमें बड़ा करना है। यू कैन डू लाइक दिस, लाइन वेट को, ये जो नीचे बना हुआ है सर्कल टाइप में आप दिखोगे, लाइन लाइन वेट के ऊपर पर्पल कलर की लाइन बन रही है, उसके पास में एक व्हाइट सर्कल है, उस सर्कल को टैप करके मूव करवाना है, इससे आपका इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है,
ये आपको एक एक चेक करने के लिए इजी रहेगा कि आपको अगर नहीं आइडिया है कि कितने वैकेज पे क्या चीज चल रही है तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, और अगर आपको आइडियाज रहता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हो। क्लियर है? यस अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये स्क्वायर टाइप के बने हुए बॉक्सेस दिख रहे हैं, अगर हम चाहते थोड़े राउंडेड दिखे तो हम इसमें यहाँ पर राउंड वाला जो ऑप्शन दिया है राउंडेड एंड पॉइंट्स इस पे क्लिक कर देंगे तो यू कैन सी कि जो ये स्क्वायर थे ये राउंड्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, एक सिंपल सी यस दिखने वाली लाइन में हमने इतने वेरिएशंस देखे। इसके सिवा भी हम और वेरिएशंस कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट में लाइन स्टार्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं है, उसके सिवा हम इस तरह की लाइंस अगर ऐड करना चाहते हैं स्टार्टिंग में कहीं कुछ हम इस टाइप से बना रहे हैं कि सामने वाले से कुछ कनेक्टिविटी दिखाना है या डायरेक्शंस दिखाना है तो यू कैन यूज दिस। ये वाला जो है ये डायरेक्शन के लिए होता है, ये डायरेक्शन जब स्टार्ट होती है कहीं से तब यूज करते हैं, और ये कनेक्टिविटी के लिए होते हैं स्पेशली जब इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाते हैं तब बहुत ज्यादा ये यूज में आते हैं। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग इमेजेस तो यहाँ पर जब इंफोग्राफिक्स बनाते हैं तो इंफोग्राफी में, या अगर हम ट्रैवलिंग का कुछ बना रहे हैं तो उसमें ट्रैवलिंग की जो रूट्स होते हैं उसे बनाने के काम में आता है ये। ठीक है, क्लियर है? यस मैम यस मैम ठीक है, इसके बाद जैसे हमने स्टार्टिंग किया वैसे ही एंड में भी सेम पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो स्टार्ट में हो रहा था ये एंड में हमने यूज करे सेम है, सो मैं ज्यादा नहीं बता रही उसमें। इसके बाद है ये जो भी लाइन दिख रही है वो हमें स्ट्रेट दिखाई दे रही है, अगर हमें स्ट्रेट नीचे आइए हमें इसे कर्व में चेंज करना है तो हमने क्या किया, यहाँ पर आप जब लाइन एंड करोगे उसके बाद पहला ऑप्शन आपको स्ट्रेट दिखाई देगा बट आप सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना तो ये कर्व का काम करेगा। ठीक है, कर्व कैसे करना है, अब हमको हमें यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक व्हाइट कलर का सेंटर में मार्क बना हुआ दिख रहा है ना, इस यस मार्क मैम पे क्लिक करके आपको मूव कराना है, जैसे जिस डायरेक्शन में आप मूव करवाओगे उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर क्रिएट करेगा। मैंने अभी सेंटर से टॉप में उसे मूव करवाया था तो इसी कारण ये ऊपर की साइड गया और दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड पे एक एक और उसने कंट्रोलर्स प्रोवाइड कर दिए। अब इन कंट्रोलर्स को मैं लेफ्ट या राइट में मूव करवाती हूँ, यहाँ पे जो नीचे वाला था उसमें भी एक और आ गया। सॉरी, ध्यान रखना ये जो कंट्रोलर है उसी को अगर आप ग्रैब एंड ड्रॉप करोगे तो वो बेटर रहेगा, अदरवाइज अगर गलती से कहीं और का मूव होता है तो वो शेप मूव होने लगता है। जितने आप मूव करवाओगे उतने ही ज्यादा यहाँ पर आपके कंट्रोलर्स क्रिएट होते जाएंगे और उन कंट्रोलर्स की हेल्प से आप और न्यू बना सकते हो। इसको देख के किसी को सांप वाला वो ऐप याद आ रहा है क्या, नोकिया का? हाँ हाँ, मोबाइल वीडियो पुराने जमाने का यूज किया होता गेम वीडियो गेम है। वीडियो गेम में तो नहीं, नोकिया के मोबाइल में वो गेम ज्यादा खेला है। ठीक हाँ है, वीडियो तो गेम में समथिंग होता लाइक है दैट हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, एक दूसरे से थोड़ा ओवरलैप ये नहीं करता है, ध्यान रखना ओवरलैप वाली चीज नहीं करेगा, एक दूसरे में मर्ज नहीं होगी, जितनी भी लाइंस होगी आपको राइट साइड से ही निकालनी होगी, बीच में से भी आप कहीं से कर सकते हो, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करनी। ठीक है, तो जो हमारा पाथ बनाने वाली चीजें होती है लाइक फाइंड द पाथ करके या इस टाइप की जो गेम्स बनाने, तो उसके लिए भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। प्लस अभी हमने बात कही थी अगर हमें कहीं का मैपिंग बताना है, लाइक हम सामने वाले को चाहते हैं कई बार इवेंट्स कुछ बनाते हैं तो हम इवेंट की डायरेक्शन क्या होगी ये बताते हैं तो वो इस वाली चीज से बता सकते हैं। ठीक है, यस मैम लक्ष्य क्लियर है, कैसे बनाया, कंट्रोलर हाँ समझ में आया? ठीक हाँ है, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करना और इससे कुछ अच्छे अच्छे डिजाइन मुझे बना के बताना लाइनिंग वाली। मैंने तो सिर्फ एक स्नैक वाला गेम बना दिया है बट यू कैन डू मच मोर। ठीक है, आज के लिए हमने सिर्फ लाइन में इतनी चीजें सीखी है, लाइन में इससे ज्यादा भी चीजें नहीं है करना, आपको सिर्फ इतना ही कंट्रोलर है
बट लाइन को हम डिफरेंट वेज में आगे जाके यूज करेंगे। ठीक है, कोई डाउट? नो मैम। श्योर? प्रैक्टिस करेंगे फिर, हाँ ठीक है। होमवर्क याद से भेज देना, क्योंकि अगर होमवर्क नहीं भेजा तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। एंड इवन आपको भी नहीं आएगा, अगर आपको डाउट नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछोगे भी नहीं कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो यस मैम। ओके मैम। सेकंड चीज, होमवर्क ऐसा नहीं है कि 4 बजे हमारा सेशन शुरू होने वाला है तो 4 में 5 मिनट पहले भेज रहे हैं, एटलीस्ट 1 आवर पहले आप मुझे भेज देना। ठीक है, ओके मैम। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।